हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में आज हम डिराइव करने वाले हैं सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गैमा फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है डिराइव द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड एडियाबेटिक इंडेक्स। अब ये क्वेश्चन पढ़ने से तो कुछ समझ में आया नहीं, तो क्वेश्चन पहले तो समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमें एक रिलेशनशिप डिराइव करना है किस चीज के बीच में। पहला तो है स्पेसिफिक हीट्स। स्पेसिफिक हीट्स यानी क्या, हमें पता है एक तो होता है सीपी, सीपी यानी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दूसरा होता है सीवी यानी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्या चीज हो गई, ये दोनों सीपी और सीवी स्पेसिफिक हीट्स, और इसका रिलेशन किसके साथ डिराइव करना है, एडियाबेटिक इंडेक्स के साथ। अब एडियाबेटिक इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, गैमा। गैमा का वैल्यू 1.4 होता है जिसे हम एडियाबेटिक इंडेक्स बोलते हैं। तो ये तीन जो क्वांटिटी है उनके बीच का हमें रिलेशनशिप डिराइव करना है। तो क्या रिलेशनशिप आता है, वो आता है सीपी बाई सीवी बराबर गैमा। यानी कि हमें ये इक्वेशन यहां पर डिराइव करना है जो कि ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं डेरिवेशन की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट लॉ का यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या है, हमने पढ़ा था डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस की। क्यों यहां पे लिखा है एडियाबेटिक इंडेक्स, ये रहा क्वेश्चन में भी दिया है। और हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हीट होती है वो जीरो होती है, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जीरो होता है। तो यहां पे मैं लिख लू हीट ट्रांसफर की जगह जीरो, विच इज इक्वल्स टू डी यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसका इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, क्या था एम सी वी टी डी टी। डी टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस, हायर माइनस लोअर, टी टू माइनस टी वन, प्लस वर्क डन का इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं। क्वासिस्टेटिक प्रोसेस में हमने बोला था क्या होता था, पी डी वी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। सो जीरो इज इक्वल्स टू एम सी वी, डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी टू माइनस टी वन, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिफरेंस है ये, प्लस ये क्या हो गया वर्क डन। अब हमें किसका वर्क डन लिखना पड़ेगा, हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं क्योंकि एडियाबेटिक इंडेक्स दिया है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन भी हमने डिराइव किया था, अगर याद हो तो वो था एम आर टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय गैमा माइनस वन। ये डेरिवेशन भी हमने किया था वर्क डन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला पूरा टर्म, इसे हम ये साइड भेज देंगे। अगर ये पूरे टर्म को ये साइड भेजा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन से यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव साइन से यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ये यहाँ पे आ चुका है, तो लिखेंगे एम आर टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय गैमा माइनस वन। ये पूरा टर्म यहां भेज दिया, तो आगे नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन अंदर ले ली तो टी वन माइनस हो जाएगा, टी टू प्लस हो जाएगा, तो टी टू माइनस टी वन। अब ये विच इज इक्वल्स टू एज इट इज एम सी वी टी टू माइनस टी वन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या हो सकता है, ये एम से एम कैंसल हो जाएगा, ये जो पूरा टर्म है टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, ये भी कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या आर डिवाइडेड बाई गैमा माइनस वन विच इज इक्वल्स टू सी वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आर है उसे हम क्या लिख सकते हैं, CP माइनस CV लिख सकते हैं, उसका वैल्यू R के बराबर होता है, जिसे मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं। इसका भी डेरिवेशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो R की जगह क्या लिख ले, CP माइनस CV डिवाइडेड बाय गैमा माइनस वन इज इक्वल्स टू CV। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसे यहां पे ले जाएंगे, तो यहां पे ले जाने पे क्या होगा, CP माइनस CV, तो क्या कर दिया एज इट इज लिख लिया, यहां पे क्या है सीवी, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, गैमा माइनस वन के साथ। ठीक है, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सीवी इंटू गैमा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, यहां पे सीवी इंटू वन यानी सिर्फ सीवी आएगा।
यहाँ पे ये सीवी और ये सीवी कैंसल हो जाएंगे, बचेगा क्या सीपी, यहाँ पे इज इक्वल्स टू सीवी इंटू गैमा। अब ये सीवी को नीचे ले आएंगे तो सीपी सीवी नीचे आ गया, विच इज इक्वल्स टू क्या बचा गैमा। तो ये हो गया हमारा क्या सीपी बाई सीवी इक्वल्स टू गैमा। इसे क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड एडियाबेटिक इंडेक्स। तो यहां तक एग्जाम में लिखने पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।